তিনিচুকীয়া জিলা পেনচাক চিলাত এছ'চিয়েশ্যনৰ পঞ্চম চেম্পিয়নশ্বিপ অনুষ্ঠিত। তিনিচুকীয়া জিলা পেনচাক চিলাত এছ'চিয়েশ্যনৰ পঞ্চম চেম্পিয়নশ্বিপ দেওবাৰে তিনিচুকীয়াৰ হিন্দী গাৰ্লছ হাইস্কুলত অনুষ্ঠিত হৈ যায়। কাৰ্যসূচীৰ আৰম্ভণিতে ভাগৱতী ভগৱান ডি এ ভি শিক্ষা নিকেতন বিদ্যালয় অধ্যক্ষ ৰাঘৱ প্ৰসাদ ৰায়ে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে। বিহু নৃত্যৰ দ্বাৰা কাৰ্যসূচী শুভাৰম্ভ কৰা হয়। তিনিচুকীয়া জিলাৰ মনোজ শাহ আৰু ছুপাৰভাইজাৰ গংগন যাদৱৰ নেতৃত্বত যোৱা 5 বছৰ ধৰি এই চেম্পিয়নশ্বিপ চলি আহিছে। উক্ত চেম্পিয়নশ্বিপত কাকপথাৰৰ দীপাংকৰ বৰুৱা, পানী তোলাৰ ৰুমি ছেত্ৰী বৰুৱা, শদিয়াৰ খগেশ্বৰ মোহনে তেওঁলোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সৈতে এই খেলত অংশগ্ৰহণ কৰে। চেম্পিয়নশ্বিপৰ শেষত বহুতো শিশুৱে সোণৰ পদক, ৰূপৰ পদক, ব্ৰঞ্জৰ পদক অৰ্জন কৰে। চেম্পিয়নশ্বিপত 150তকৈও অধিক শিশুৱে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। উক্ত অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে তিনিচুকীয়া জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ উপসভাপতি প্ৰণৱ বৰুৱা, অধ্যক্ষ ৰাঘৱ প্ৰসাদ ৰায়, লিডুৰ মিতালী ৰয়, টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সভাপতি মিলন বুঢ়াগোহাঁই, তিনিচুকীয়া মাৰোৱাৰী যুৱ মঞ্চ প্ৰগতি সভাৰ সভাপতি নীলম শৰ্মা প্ৰমুখ্যে গণ্য মান্য ব্যক্তিসকল। बहुत ही खुशी लग रहा है। आज मैं 5 साल पूरा कर दिया चैम्पियनशिप का, और मेरा पेंसक सिलाट 2018 से मैं कर रहा था, और 2018 से करते हुए मेरा आज पेंसक सिलाट चैम्पियनशिप बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आज हमारा 5 साल हुआ है। और इस चैम्पियनशिप में 150 स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए हैं, और इस चैम्पियनशिप में आज हिंदी गर्ल्स हाई स्कूल में हुआ है। तो इसी चैम्पियनशिप के जरिए तो डिस्ट्रिक्ट में जो मेडल लेके आएंगे, आने वाले जो स्टेट चैम्पियनशिप है उसमें हम लोग बच्चों लोग पार्टिसिपेट करता हूँ। और हमारे जितने भी पेंसक सिलाट के स्टूडेंट हैं, तो मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि इस गेम को ना छोड़ें, क्योंकि इस गेम से हम लोग के बच्चे ओलंपिक तक खेलेंगे। इसी साल हम लोग का रिकॉग्नाइज हुआ है, तो ओलंपिक तक का एक जाने का हम लोग का रास्ता मिला है। तो मैं आशा करता हूँ कि सभी हमारे पेंसक सिलाट के स्टूडेंट इस गेम को साथ जुड़े रहे, और साथ में हम लोग बहुत ही अच्छा तरह से एक स्टूडेंट को हम लोग प्रैक्टिस कराते हैं, और अच्छे तरह से हम लोग एक गेम को सक्सेसफुल कराने के लिए हम लोग हर साल एक गेम करवाते हैं। इस खेल के जरिए से बच्चों को एक सबसे बड़ा उसको फिटनेस के ऊपर ध्यान होता है, और साथ में उन लोग का एक जो मानसिक जो प्रॉब्लम होती है वो भी ख़त्म हो जाता है। क्योंकि बच्चे जब खेलते हैं तो उसको आउट ऑफ माइंड का पूरा ज्ञान हो जाता है। जब बच्चे कभी बाहर जाते हैं ना, तो उनको एक अच्छा एक संस्कार मिलता है, एक फर्स्ट डिसिप्लिन का गेम होता है जो हम लोग पेंसक सिलाट में मिलता है। ये गेम हम लोग हिंदी गर्ल्स हाई स्कूल में जो पर्वतिया जीवन ज्योति नर्सिंग होम के सामने हुआ है, यहाँ 150 स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए। তিনিচুকীয়াৰ পৰা নাজমিনা আলী, প্ৰতিবেদন নিউজ মেগনেট এনি।